الله أكبر الله أكبر الله أكبر यार। पीसी तो यार रात से चल रहे, देखते हैं इंस्टॉलेशन कितनी हुई है जो लगा के सोए थे हम। हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और यार मैं कैमरा नीचे करके घूम रहा हूँ, अपडेट डायरेक्ट है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसको बंद, ठीक है फिनिश। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नहीं तो भाई GTA तो इंस्टॉल हो चुकी है, मजे आए। लेकिन पहले अब अभी ऐसे नहीं खेलेंगे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, काफी बरकत वाला टाइम होता है भाई। इस वजह से हम अभी पढ़ेंगे कुछ सूरतें, जैसे सूरह रहमान, सूरह यासीन या सूरह मुज़म्मिल, तीनों को ही पढ़ लेंगे। रोज़ का मामूल बनाते हैं भाई, यार एक रूटीन होनी चाहिए ना, रूटीन तो बनाया अपने। यार ये पता नहीं कोई एक चीज़ फेरी है, इसको क्या कहते हैं, जा पूछ क्या इसका कुछ करना है यार, इस पर स्प्रे करते हैं या कोई और चीज़ ऐसे। मैं इधर बैठे कंप्यूटर देख रहा हूँ, ये ऊपर से जो है तंग किए जा रही है कभी इधर कभी उधर। तो भाई ये आइसक्रीम नहीं है, ये घी है। अच्छा अब ये तरीका किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा, जिसको नहीं पता उसको बता दूँ कि अगर कोई शादी का खाना आता है, शादी का या कहीं और से भी आ जाए, और रोटी पड़ी हो जो सूखी, सुबह उठ के देखें रोटी सूखी हुई है, इसको सही करना बहुत कम लोगों को आता है यार। इसको गीला करके ना तवे पे घी डालो, इसको गीला करके रख दो थोड़ी देर, फिर इसको तवे पे पलटा दो, ठीक है? फिर जो रोटी बनती है ना वो उसके सामने सारी रोटियां फेल है, मैं कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी बन गई जी रोटी। तो भाई चाय पीने का मूड हो रहा है और अभी अभी हमने खाना खाया, तो सुना है कि खाने के बाद चाय नहीं पी सकते, या खाने से फौरन पहले या खाने के फौरन बाद, देखते हैं अभी क्या कहते हैं गूगल, क्या कहते हैं। यार ये फोकस ही नहीं हो रहा, क्या कैन वी ड्रिंक टी आफ्टर ईटिंग फूड, इंग्लिश चेक ना करो बस। तो अच्छा भाई 15 से 20 मिनट के बाद, खाना खाने 15 से 20 मिनट बाद चाय पी सकते। खैर भाई अब चाय बनाते हैं, क्या करें। तो भाई एक्सरसाइज करने से पहले अंडे लाना जरूरी है, क्योंकि अंडे लाएंगे नहीं तो खाएंगे किस तरह। बात तो सही है, वजन 3 अंडे देते हैं। तो भाई अंडे ले आए तो बना ही लेते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ओ अंडे बना मतलब ऑमलेट बना लेते हैं, सॉरी। पहली बार मैंने एक हाथ से अंडा तोड़ा है, इसको देखते हैं क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सही हुआ शुक्र, पहले तो नमक डालेंगे, जाहिर सी बात है इससे मेरा हाथ निकल जाएगा, बहुत बड़ा हाथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हल्दी है भाई, इनको ऐसे ही डालो थोड़ी। अच्छा इधर है, इधर है सामने है, सॉरी। अंदाजा बताओ कितने किलो का होगा? तो ये है जी पूरे 20 किलो का। इधर बाहर मैंने ये रखे हुए थे, ये तो खैर लीक है, ये उठा देते हैं।
तो भाई अंडा ही फ्राई कर लेते हैं। तो भाई शाह पढ़ के आ गए, इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगले ब्लॉग में कल। चैनल को शेयर कर दो अगर कंटेंट पसंद आता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।